हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्लड की बात करेंगे। ब्लड क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, हाउ इज ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड, हाउ द ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस एंड व्हाई द ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में है बिफोर लर्निंग दिस चैप्टर। सो ये सब क्वेश्चन माइंड में रख के लेट अस स्टडी दिस यूनिट, लेट अस स्टडी दिस पार्ट ऑफ द यूनिट इन वेरी डिटेल्ड एंड वेरी यू नो टू द पॉइंट काइंड। हम टू द पॉइंट बात करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, इन कंप्लीट एनसीईआरटी, एक भी लाइन एनसीईआरटी की जो है वो नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा वीडियो एंड यू विल एंजॉय इट। सो पहले तो हम ब्लड की, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स ऑफ ब्लड बताए गए, ये सारे एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है, प्लेटलेट क्या है, आरबीसी क्या है, ये सब क्या 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 नाम लिखे हुए हैं ना। तो इस वीडियो में हम ना ही ब्लड पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में भी जान लें, क्योंकि लिम्फ का ज्यादा पोर्शन दिया नहीं गया एनसीईआरटी में। तो बॉडी फ्लूड जो है ये दो ही तरह के, हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड सिस्टम्स होते हैं। बॉडी फ्लूड्स में हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक होता है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का क्या काम है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पहले तो ये बना होता है ब्लड से, इसमें ब्लड होता है, फिर इसमें होता है ब्लड वेसल्स होती हैं, देन इसमें हार्ट होता है। यही तीन मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और इसका काम है ब्लड जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी डायरेक्ट बता दूंगा तो भी चलेगा। ब्लड जो ऑक्सीजन का, न्यूट्रंस का ट्रेवल बॉडी के डिफेंस में, तो ये सब काम ब्लड की है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो ब्लड के एक एक कंपोनेंट का फंक्शन पढ़ेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाउ इज द ब्लड परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो ब्लड का ये सारे काम जो है ये होते कैसे हैं कि ये एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में जाता है ब्लड, एंड देन इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी सेल के पास जाता है। देन सेल से जो वेस्ट मटेरियल वो कलेक्ट करता है, देन जहां से उसको रिलीज कराना है, अगर उसको किडनी के थ्रू रिलीज कराना है तो वो किडनी में जाएगा ब्लड। अगर उसको मानो कि गैस है और उसको वाई एक्सपायरेशन वाई एक्सलेशन बाहर निकालना है तो वो लंग्स के पास जाएगा। तो इस तरह से ब्लड जो है इट टेक्स जो एक किस्म से ये काम कर रहा है कि एक जगह से सामान लाता है दूसरी जगह फेंकता है। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो बॉडी में कोई डिजीज हो जाए, कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो उस बैक्टीरिया को मारेगा, वायरस आ जाए तो वायरस को मारेगा। सो दिस इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वही लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये लिम्फ, जैसे ब्लड है ना वैसे ये फ्लूड है, और लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम तो बेसिकली लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, है ना। और लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं, है ना। तो ये सारा काम लिम्फेटिक सिस्टम में, ये सारे कंपोनेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। बेसिकली एक लिम्फ होता है, इसके कंपोजिशन एंड में पढ़ेंगे, और ये फ्लो करता है इन द पर्टिकुलर ब्लड, जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे ही लिम्फ वेसल्स होती है, पूरी बॉडी में फैली होती है। एंड इवन द लिम्फेटिक सिस्टम की जो ब्लड लिम्फ वेसल्स हैं दे आर मोर इंटीग्रेटेड देन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल भी शायद कोई ऐसा सेल होगा जिसके पास नहीं जाती होगी, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फ वेसल्स हैं दे आर सो यू नो इन टू द बॉडी कि ये हर एक पार्ट को, बॉडी को जो है सप्लाई करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ यू नो वेसल्स, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम पहले फोकस हमारा प्राइमरी रहेगा ब्लड पे। तो ब्लड की बात करते हैं, ब्लड हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ब्लड ऐसे ट्यूब में निकाल लें तो ये कैसा लगेगा, ऐसे बस एक फ्लूड है ना रेड कलर का, और हमारे क्या सोच सकते हैं जिसमें शायद पानी होगा, है ना, और पानी के अंदर कोई कलर हो जाए, डाई हो जाए, है ना, रेड कलर की जो इसको रेड बना रही है ना, कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन ब्लड में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो हम वो पढ़ने की कोशिश करें, ये ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो ये सेंट्रीफ्यूज करने से जो ऊपर का पानी वाला पोर्शन है वो अलग से आ गया, जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है अदर देन आरबीसी वो अलग आ जाए, एंड दीज आर द आरबीसी। सो दीज आर बेसिकली द सेल सेल्यूलर कंपोनेंट एंड दिस इज द प्लाज्मा, अभी ये मान के चलते हैं ना। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ लिखा। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जब भी पढ़ो तो एक बात याद रखनी चाहिए कि दे आर मेसोडर्मल, ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज आर मेसोडर्मल इन ओरिजन। तो तीन तरह की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो वो सारी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है हमारी बॉडी में। तो वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन है, या कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू है जिसको कि ये जर्म लेयर मेसोडर्म बना रही है। एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू थिंग्स, ब्लड दो चीजों से बना है, प्लाज्मा से और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे ब्लड को अगर डिवाइड करें
तो ब्लड बना हुआ है प्लाज्मा से भैया, और एक बना हुआ है किससे, फॉर्म्ड एलिमेंट से। ये हमें इससे पता चल रहा है कि ब्लड के डेफिनेशन में ही क्या लिख दिया एनसीईआरटी में, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो इसके बारे में एक और चीज बता दी इन्होंने कि इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी चीजें फैली हो, है ना। तो दिस इज बेसिकली पानी में ही सब कुछ डालेंगे तो वो फ्लो करेगा ना, तो प्लाज्मा इज फॉर्मिंग लाइक अ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है बाकी सब चीजों को, जितने भी सेल्स हैं इसी मीडियम से ट्रेवल करेंगे, है ना, ब्लड में। सो प्लाज्मा के बारे में अब पूरी कंपोजिशन ब्लड की अगली वीडियो में देखते हैं। सो यहाँ पे बात करें ब्लड की, हमने दो चीजें पढ़ी कि ये प्लाज्मा से बना हुआ है और दूसरा हमने पढ़ दिया इसमें वो है क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो आप जानो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द सेल्स, कुछ सेल्स हैं इम्पोर्टेंट जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना रहे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में दैट अगर हम इसकी कंपोजिशन, ये 55% ऑफ द ब्लड बना रहा है ना, अगर 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 550 ml सिर्फ प्लाज्मा है और बाकी का 45% जो है ये सेल्स बना रहे हैं। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ, अच्छा वो आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा क्या है। अच्छा प्लाज्मा में भी बात करें, अच्छा यहाँ पे आ जाओ पहले प्लाज्मा की बात अलग से करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन तरह के सेल्स आते हैं, सबसे पहले हमारे आरबीसीस आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे डब्ल्यूबीसीस आते हैं, इन सब के फुल फॉर्म सब कुछ पढ़ेंगे, देन हमारे पास आ जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स, राइट। दीज आर द थ्री मेजर सेल्स टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड, और 55% जो है दिस इज द प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं आगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ फ्लूड, है ना, फ्लूड तो है। कलर इसका दिया गया येलो, पेल येलो कलर का होता है, विस्कस होता है, इट रेजिस्ट टू फ्लो, है ना, फ्लो नहीं इतनी जल्दी का होता ब्लड, पानी को फ्लो करो और ब्लड को फ्लो करो तो पानी जल्दी फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि पानी में विस्कोसिटी कम है लेकिन प्लाज्मा की विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज मोर, तो ब्लड इज विस्कस। अब ये प्लाज्मा किससे बना हुआ, प्लाज्मा जो है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक पानी से बना हुआ है और एक सॉल्यूट से बना हुआ है। क्या किस किस से बना हुआ, पानी से और सॉल्यूट से। 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज पानी, प्लाज्मा ज्यादा पानी से बना हुआ है, बाकी जो 8 to 10% है दैट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या क्या आता है, सॉल्यूट में प्रोटीन्स आर द मेजर पार्ट, प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लाज्मा, एंड देन इज अदर सॉल्यूट्स, उसके भी बात करेंगे क्या क्या होता है ना। तो ये जब आप वीडियो देख लोगे तो एनसीईआरटी के कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आप नहीं जानते होंगे ब्लड के रिलेटेड, क्योंकि दिस इज यू नो दिस इज द सार, उसका सार है पूरी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एंड एवरीथिंग इज यू नो यू विल बी लर्निंग बाय यू नो वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, एंड यू विल स्टार्ट बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। सो चलो आ जाते हैं इसी में, कहाँ जापान, या सो वाटर है एंड देन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन इज फॉर्मिंग द 6 to 8% और जो 2 से 4% बच गया वो बना रहा है हमारा अदर सॉल्यूट्स। ओके तो 6 to 8% ऑफ द प्लाज्मा इज प्रोटीन, अदर्स आर द सॉल्यूट्स, एंड 90 to 92% इज द वाटर। ओके वाटर क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए मीडियम, है ना, मीडियम क्या काम कर रहा है जिसमें कि सेल्स इंटेंगल है। प्रोटीन में तीन प्रोटीन हमें बताए गए हैं, पहला है एल्ब्यूमिन, इट इज द मोस्ट अब्यूटेंट प्रोटीन, सो एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अब्यूटेंट ब्लड प्रोटीन, देन हमारे पास ग्लोबुलिन है, देन हमारे पास फाइब्रिनोजन है, ठीक है, इनके फंक्शन जान लेते हैं क्या क्या काम करें। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मो रेगुलेशन में, देखो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी तो दिक्कत हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि अगर ज्यादा साल्ट हो गया बॉडी में तो पानी हमें ज्यादा चाहिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो ये किसी तरह से पानी का बॉडी से लॉस को बचाते हैं ताकि ज्यादा पानी बॉडी में रहे और सॉल्ट का एक्सक्रीशन कराएंगे। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिजम्स आर द ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो एल्ब्यूमिन जो है इट एक्सर्ट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने की एबिलिटी होती है, तो इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन में एक पार्ट प्ले करता है। सो अगर एल्ब्यूमिन हमें दिमाग में आता है तो हमें याद रखना इट ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। ग्लोबुलिन की बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज,
एंटीबॉडीज क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स और दीज आर द केमिकल्स विच हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया और एनी टाइप ऑफ पैथोजन दैट एंटर्स द ब्लड। तो जो माइक्रोस्कोपिक पैथोजन्स होते हैं, जैसे कोविड आ गया है ना, कोविड भी आया था, तो कोविड को मारने के लिए भी क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में, है ना। तो तभी तो वो डोज दी रही थी कि कोविड कोवैक्सीन कोविशील्ड, क्यों, बिकॉज आर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज इन यू नो ब्लड, सो दैट दीज कैन बी किल्ड, दीज वायरसेस कैन बी किल्ड। सो ग्लोबुलिन आर फॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द दे आर बेसिकली एंटीबॉडीज, सो दे आर द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडीज। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में मदद करता है, हम आगे क्लॉटिंग पढ़ेंगे, तो आप फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ेंगे कि फाइब्रिनोजन जो है इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म, इट्स इज एन इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्लॉटिंग में मदद करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। अदर सॉल्यूट्स में क्या हो सकता है, साल्ट्स होते हैं है ना, या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, है ना। तो ये सारे ऑस्मो रेगुलेशन में ये भी मदद करते हैं, क्योंकि ये साल्ट है ना, तो साल्ट क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बनाएंगे, पानी में ज्यादा होंगे तो ब्लड में ज्यादा होंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन बढ़ जाएगी, कम होंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन कम हो जाएगी। कैल्शियम का काम है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर द वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर, देन गैसेस हो सकती है ना, ट्रेवल कर रही होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, तो दीज आर गैसेस कैन बी देयर। देन वी कैन हैव व्हाट कैन आई से सोर्स ऑफ, हाँ, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, डाइजेशन के प्रोडक्ट ना, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, सो दीज कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। वेस्ट में हमारे पास यूरिया हो सकता है, एंड और कैन बी द अदर वेस्ट, अमोनिया, नाइट्रोजन, सो दिस कैन बी प्रेजेंट इन वेरी वेरी, अमोनिया इज वेरी डेंजरस इन अवर बॉडी, सो इट कैन बी प्रेजेंट इन अ वेरी लिटल अमाउंट, बेसिकली यूरिया इज देयर, ओके। सो दिस थिंग्स कैन बी प्रेजेंट इन अदर सॉल्यूट, सो दिस आर गिवन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा वाटर सॉल्यूट्स प्रोटीन्स, सॉल्यूट्स में प्रोटीन्स और अदर सॉल्यूट, प्रोटीन में ये सारे प्रोटीन है जिनका फंक्शन दिया गया, और अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, हारमोन्स, विटामिन हो सकते हैं, है ना, हारमोन्स हो सकते हैं, जो जो ब्लड में ट्रेवल करेगा वो सारे प्लाज्मा में ही तो ट्रेवल करेंगे ना, तो वो अदर सॉल्यूट्स में काउंट हो जाएंगे, ओके। आई थिंक द प्लाज्मा इज क्लियर टू यू, प्लाज्मा क्लियर हो जाए, बस यही कुछ याद रखना प्लाज्मा के बारे में, है ना। और प्लाज्मा में ये जो कैल्शियम है, इसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं ना, तो अदर सॉल्यूट्स में क्लॉटिंग फैक्टर भी आ जाता है, दिस इज क्लॉटिंग फैक्टर। तो हम बात करें प्लाज्मा की, आगे आ जाते हैं, आरबीसी दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, तो हमारे पास जो प्लाज्मा बच गया उन फैक्टर्स को निकाल के हम उसको हम सीरम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो जब भी हमें कहीं लगती है तो उस वाउंड पे क्या होता है कि एक डॉट सा डॉट, जब भी हमें कहीं लगती है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, जो वाउंड हील होती है तो उस पर एक ब्राउन डॉट डॉट सा रेड रेड सा बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसके ऊपर कभी टच करना तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा यू नो ऊपर ऊपर की लेयर में थोड़ा वाटर की तरह कुछ है, तो वो वाटर की तरह क्या होता है, बेसिकली वो क्या होता है कि प्लाज्मा जो है वो ऊपर रहता है हमेशा, क्योंकि वो पानी है ना, तो वो ऊपर रहता है, और सेल डेंस होते हैं, सेल नीचे रहते हैं, तो जो ब्लड क्लॉट है वो बना होता है ये सारे सेल्स का, ये सारे सेल्स जो होते हैं ब्लड क्लॉट किससे बना होता है, ये तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लस ये सारे सेल्स, तो इसलिए ये सारे जो है ये डार्क बना देते हैं डार्क, और उसके ऊपर प्लाज्मा का वो पार्ट बच गया जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो ऊपर सीरम होता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जब आपको कहीं लग जाए तो जो वुंड होता है वो ऊपर से ऐसा ऐसा डार्क सा दिखता है ना, ऊपर से ऐसा डार्क सा ब्राउनिश होता है, कलर नहीं मिल रहा ब्राउन, सो इट इज अ लाइट, हाँ यहाँ से इस तरह से जब हमें लगती है कहीं पे और वहां पे हील होता है तो ये बन जाता है, उसके ऊपर कभी टच करना तो आपको ऐसे गीला गीला सा लगेगा, राइट, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा गीला गीला सा लगता है, तो ये ऊपर वाला ये सीरम होता है और नीचे वाला ब्लड क्लॉट होता है जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर से बना होता है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ये बताना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। अब आ जाते हैं आरबीसी के ऊपर, आरबीसी क्या है, इनकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड
सेल्स, या इनको एक और नाम दिया जाता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब है रेड और साइट का मतलब है सेल, है ना। तो दे आर इरिथ्रोसाइट। इनका अगर बात करें ये इस तरह से दिखते हैं, है ना, ये आरबीसी है। ये सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि दे आर बाई कंकेव। इनकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई कंकेव। बाई कंकेव शेप का क्या इंपॉर्टेंस है वो बात करेंगे। ए न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सेल की वॉल्यूम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का काम क्या है, इनका फंक्शन पहले जान लेते हैं ना, और आरबीसीज के बारे में जो जानना होगा तो फंक्शन जान लेते हैं। आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। तो गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले कहीं भी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान लेना है तो पहले सामान रखने के लिए गाड़ी में जगह होनी चाहिए, है ना, तभी तो वो दूसरी जगह जाएगी। वैसे ही आरबीसीज के अंदर भी जगह होनी चाहिए, और इसको बहुत सारा, क्योंकि बॉडी हमारी जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है हमारी, इसको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन भी उतना ही चाहिए, है ना, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए इसकी शेप ऐसी है कि ये ज्यादा से ज्यादा गैसेस को स्टोर कर सके, जैसे ऑक्सीजन को ज्यादा से। तो बाई कंकेव शेप से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है ना। सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा अब्सॉर्प्शन होती है गैस की। ये न्यूक्लियट है, मतलब ये न्यूक्लियस को भी नहीं रहने दे रहा कि भाई अगर न्यूक्लियस तू मेरे अंदर आ जाएगा तो मेरी जो जगह पे मैं गैस ले सकता हूँ वहां तू आ जाएगा, तो मैं ऑक्सीजन को कहाँ से लेके जाऊंगा। तो ये न्यूक्लियस को ही हटा देता, भाई तू निकल जा, है ना। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस इज एन इवोल्यूशन, दिस इज एन अडेप्टेशन और इवोल्यूशन ऑफ दिस आरबीसी टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ गैस इट कैन ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आरबीसी बना किससे हुआ है ना? आरबीसी बेसिकली इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होगी ना, प्रोटीन्स होंगे, वो बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन है इसलिए रेड है, ये रेड कलर का, इसलिए ब्लड रेड कलर का। ये जो सेल आपको रेड दिख रहा है ना, तो एक सेल में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इसको रेड कलर दे रहे हैं, खुद का इसका रेड कलर नहीं है, हीमोग्लोबिन की बदौलत है। तो हीमोग्लोबिन भी दो चीजों से बना होता है, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। नाम ही काट लो इसका, है ना, दो पार्ट में। हीम जो है इसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड जब प्रोटीन की चेन होती है ना। तो ये कुछ इस तरह से होता है, चार हीम के मॉलिक्यूल होते हैं, चार पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक हीम ये है, एक हीम ये है, एक हीम ये है, एक हीम ये है, और यहाँ पे एक एक चेन ये आ गई, एक चेन ये आ गई, एक चेन ये आ गई। बेसिकली ऐसे नहीं है, पर दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। तो हीमोग्लोबिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ फोर हीम मॉलिक्यूल सराउंडेड बाई ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये आरबीसीस में हीमोग्लोबिन का काम है। अच्छा, आरबीसीस का जो 5 to 5.5 मिलियन per mm³ इसका काउंट है, किसका? आरबीसीस का, याद रखना है। देन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन आरबीसी लेके जा रहा है। वो ऑक्सीजन बेसिकली ये हीम के साथ बाइंड होता है, हीम इज द पार्ट वेयर द ऑक्सीजन बाइंड। तो जी जो एक एक हीम मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, क्योंकि इसके पास चार ही हीम पार्टिकल्स हैं, चार ही Fe2 पॉजिटिव है। तो देखो आरबीसी में काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसलिए बहुत ज्यादा होता है आरबीसी में, और हीमोग्लोबिन का काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया तो हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की तो क्षमता ही कम हो जाएगी ना। तो इसलिए जो हीमोग्लोबिन का काउंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12 से 16 ग्राम per 100 ml या per dl नॉर्मल काउंट है ना। इस इज हीमोग्लोबिन HG। तो हम जब CBC कराते हैं ब्लड काउंट, तो हमारा हीमोग्लोबिन चेक होता है, जिसको लोग बोलते हैं कि खून कितना है इसमें। तो खून कितना है वो वॉल्यूम नहीं बताता है, वो बेसिकली ये बताता है कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन कितना है per 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है आरबीसी का, 120 दिन जिंदा रहते हैं ये वाले 120। 120 दिन के बाद जब ये डाई कर जाते हैं या जे डीजेनरेट हो जाते हैं, तो ये एक ऑर्गन के पास जाते हैं। ऐसे करके एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्प्लीन, है ना। ये स्प्लीन के पास जाते हैं, स्प्लीन क्या करता है, इस आरबीसी को, जैसे ये पूरा आरबीसी था, इसको तोड़ता है।
स्टे ऐसे ऐसे टुकड़े करता है ना, और इनमें से कुछ जो है कुछ को आधों को रिसाइकल कर देता है ना, और आधों को क्या करता है, इट थ्रोज देम, एलिमिनेट कर देता है। तो मोस्टली रिसाइकल कर देता है, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट हो गया, हमें आयरन चाहिए भैया, हम नहीं इसको वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये दोबारा, जैसे हीमोग्लोबिन टूटा चार हीम में, चार पॉलीपेप्टाइड में, तो अगर हमें हीम चाहिए ना, और जब और भी कुछ चाहिए आरबीसी में, तो वो सारी चीजें ये रख लेगा, यहाँ रिसाइकल कर लेगा। और जो चीज नहीं चाहिए, जो बॉडी में एक्सेस में है, जो बॉडी में बनती रहती है या बाहर से मिलती रहती है, तो उसको ये एलिमिनेट कर देगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो ये बनते हैं, बनते कहाँ से ये तो बताया नहीं अभी, जगह है ना। हाँ, आरबीसी फॉर्मेशन कोई भी ब्लड सेल है, एनी ब्लड सेल, दे आर फॉर्मड इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, दिस इज अ लॉन्ग बोन, ये एक बोन है, इसके यहाँ पे साइड्स पे एक कैविटी होती है ऐसे, यहाँ पे अगर यहाँ से खोलें तो मे बी ऐसे दिख जाए, इस तरह से कैविटी होती है। ये कैविटी जो है, इट इज फिल्ड विद द फ्लूड, इसमें एक फ्लूड रहता है ना, इसमें एक फ्लूड रहता है, कहाँ गया, सो दिस इज अ कैविटी, इसमें ये सारा फ्लूड भरा हुआ है। इस फ्लूड को हम बोलते हैं बोन मैरो। ये बेसिकली मदर है, मदर ऑफ ब्लड सेल्स। वैसे मैंने पढ़ी तो नहीं ऐसी टर्म, लेकिन आप बोल सकते हैं इसको मदर ऑफ ब्लड सेल, क्यों, क्योंकि भैया यही सारे ब्लड सेल्स को बना रही है। इसमें स्टेम सेल्स होते हैं कुछ, है ना, स्टेम सेल्स होते हैं दैट आर एबल टू डिवाइड, जो डिवाइड होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, पहले बढ़ते रहते हैं देन डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू आरबीसी, आरबीसी भी ये बना रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी ये बना रहे हैं, देन मेगाकैरियोसाइट्स भी ये बना रहे हैं। मेगाकैरियोसाइट क्या होते हैं, इन्हीं से बाद में प्लेटलेट्स बनते हैं, जब हम प्लेटलेट की बात करें तो बताते हैं ना, तो मेगाकैरियोसाइट्स भी ये बना रहे हैं। तो दिस इज वेयर द आरबीसी आर फॉर्मिंग। तो आरबीसी कहाँ बन रहे हैं, फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बोन मैरो में, और डाई कहाँ हो रही है, स्प्लीन में, डाई कहाँ हो रही है, स्प्लीन में। और ये कितने दिन में बनेगा सारा काम, 120 डेज में इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीने, है ना। और कहाँ पे जो स्प्लीन है, इसका नाम दिया गया, स्प्लीन का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी मर रही है, तो मरते कहाँ पे, लो ग्रेवयार्ड में, तो इसका नाम दिया गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो आई थिंक दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द आरबीसीस, बहुत आरबीसीस के बारे में। देन डब्ल्यूबीसीस की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसीस क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा नाम क्या है इनका भैया, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, मतलब कलरलेस है, कलरलेस होते हैं, तो इसलिए इनको व्हाइट बोल दिया, जो कुछ ना लगे उसको व्हाइट बोल दो, है ना। सो दे आर नॉट व्हाइट इन कलर, बेसिकली दे आर कलरलेस। अच्छा, डब्ल्यू बी सी को भी डिवाइड कर सकते हैं, डब्ल्यू बी सी में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्या मतलब है ग्रैनुलोसाइट्स का, मतलब इस सेल को देखोगे तो इस सेल में आपको बहुत सारे ऐसे 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 ग्रैन्यूल्स, जैसे दाने होते हैं ना छोटे छोटे, वो दिखेंगे, है ना, जैसे माता निकल गई इसको। ए ग्रैनुलोसाइट में कुछ नहीं है भैया, बस एक सेंट्रल न्यूक्लियस दिखेगा, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, दे आर द न्यूक्लियर सेल। कोई भी अगर हमें न्यूक्लियस पे सेल करना है, जैसे डीएनए पढ़ना है या वो पढ़ना है ब्लड में, या कोई हमें बार बॉडी चेक करनी है, तो हम डब्ल्यूबीसी को लेते हैं, क्योंकि यही न्यूक्लियेटेड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। सो ब्लड सेल्स विद न्यूक्लियस, तो आप जान लो वो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। सो ये बेसिकली इस ग्रेन्यूल को खोलूंगा तो ये ग्रेन्यूल ऐसे होती है, विसाइकल होता है, ये विसाइकल, समझ रहे हैं, एक वो जैसे गुब्बारा होता है, उसके बीच में ये केमिकल फिल हुआ होता है, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस दोनों को हम बोल देते हैं ग्रैन्यूल, ये है हमारा ग्रैन्यूल, जिसमें ये होते हैं उसको ग्रैन्यूलोसाइट बोलते हैं, जिसमें ये नहीं होते उसको ए ग्रैन्यूलोसाइट बोलते हैं। अब ग्रैन्यूलोसाइट में भी तीन तरह के हैं, एक है एसिडोफिल, एक आ जाता है हमारा बेसोफिल, और एक आ जाता है हमारा न्यूट्रो फिल्स। ओके, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, 60% से ज्यादा होते हैं। ओके, ए ग्रैन्युलोसाइट में हमारे दो आते हैं, पहला हमारे पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स,
देन दूसरा हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो वी नीड टू नो देयर काउंट। काउंट कितना होता है एसिडोफिल्स का? ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये 60% to 65% बना देते हैं। देन बेसोफिल आर द लीस्ट लीस्ट, सो दे आर फॉर्मिंग द 0.5 to 1%, एंड एसिडोफिल्स ये 2-3% बना देते हैं। ओके, रेड पेन से लिखना चाहिए था। ओके, सो यू नीड टू नो दिस परसेंटेज, ये एनसीईआरटी में दिया जाए। मोनोसाइट से बात करें तो 6 से 8% बना देते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स आर द सेकेंड मोस्ट अब्यूडेंट सेल्स, सो दे आर फॉर्मिंग द 20 to 25%। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है? एसिडोफिल को एसिडोफिल क्यों कह रहे हैं, है ना? एसिडोफिल का दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल। ओके, ये इनके नाम जो तीनों के पड़े हैं, दे आर बेसिकली ऑन द नेचर ऑफ डाई। किस डाई से ये स्टेन होंगे? उस डाई के अकॉर्डिंग जो एसिडोफिल हैं, दे आर स्टेन्ड विद, इन पे अगर हम एसिड डाई डालेंगे, एसिडिक डाई, तो जैसे कि एग्जांपल है इओसिन। इओसिन एज एन एसिडिक डाई। डाई का काम क्या होता है, जैसे हम माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखेंगे तो वो सेल, ये तो कलरलेस सेल है ना, तो हमें देखेंगे कैसे, है ना? कलरलेस सेल तो देखेंगे नहीं, तो हमें जैसे आरबीसी देखेंगे तो वो शायद वो तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें कलर है, हीमोग्लोबिन उनको कलर दे रहा है। लेकिन डब्ल्यूबीसी तो कलरलेस है, इनको कैसे देखेंगे? तो इनको देखने के लिए हम इनमें कलर डाल देते हैं, तो वो कलर को हम डाई बोलते हैं, है ना? तो डाई का नेचर होता है, वो एसिडिक भी हो सकती है, वो बेसिक भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, या वो दोनों हो सकती है ना? तो उस नेचर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब हमने अलग अलग डाई डाली, तो कुछ सेल्स जो है वो एसिडिक डाई ले रहे थे, कुछ जो है बेसिक ले रहे थे, कोई जो है दोनों ले रहे थे, तो उसपे हमने ये ग्रेनुलोसाइट्स को डिवाइड कर दिया, है ना? तो एसिडोफिल जो है दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, बेसोफिल दे आर स्टेन्ड विद बेसिक डाई, न्यूट्रोफिल दे आर बोथ द डाइस कैन स्टेन देम। ओके, अच्छा कुछ है? हाँ, ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले अगले पेज पे चलते हैं। तो हमने बात करी, ये प्रोपोर्शन याद होगा आई थिंक आपको, कि दिस इज द प्रोपोर्शन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हम ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ये आ गया हमारे, आ गया जगह है प्लेटलेट्स है। सो दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में मैंने बात करी, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, एसिडोफिल्स की, है ना? एसिडोफिल्स का क्या होता है, इनमें याद क्या रखना आपको, इनका जो सेल है वो ऐसे हो रहा है ना, और इनका जो न्यूक्लियस होता है, दे हैव अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस, तो इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, है ना? बाइलोब्ड ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना? तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, दो लोब्स है न्यूक्लियस के। ओके, और आपको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, इसका शेप है बाइलोब्ड न्यूक्लियस विद ग्रेन्यूल्स। और इसका काम क्या है, इसका काम याद रखना, एआई से जैसे एसिड का एआई, तो इसमें एलर्जी में जो है ये फंक्शन करते हैं, एलर्जिक एंड इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। ये बात आपको याद रखनी है, जिसके बारे में एसिडोफिल्स में, पहला दे आर कॉल्ड एसिडोफिल्स बिकॉज दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक डाई लाइक इओसिन, दूसरा दे हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस, तीसरा दे हेल्प इन, दे आर फंक्शनल इन एलर्जिक एंड इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। दूसरी बात करी हमने बेसोफिल्स की। बेसोफिल में क्या याद रखना है कि दे आर, इनका साइज शेप जो है सेम होता है इनका, जी अगर ये बात करें ये वाला, तो इनमें भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस है ना, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। लेकिन जब आप किसी भी बेसोफिल को, पहली तो बात है जब आप एक डायस वो बनाओगे स्लाइड, तो आपको बेसोफिल दिखेंगे ही नहीं। क्यों? 8% से तो कम इनकी वो है, 0.5 to 1% तो इनका पूरा अकाउंट है। तो आप जो सेल लोगे उसमें होंगे क्या? नहीं होंगे, मुश्किल से कोई एक मिलेगा बेसोफिल। और अगर मिल भी गया तो आपको उसका न्यूक्लियस दिखेगा नहीं, क्योंकि दे आर हाईली 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 ऑब्स्क्योर्ड बाय द, इनमें ग्रेन्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपको न्यूक्लियस दिखता ही नहीं, आपको लगता है कि न्यूक्लियस है ही नहीं इसमें, लेकिन न्यूक्लियस होता है ना? तो है तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस, लेकिन जहां आपको डायग्राम में आ जाए कि आपको न्यूक्लियस अच्छे से दिखना रहा हो, आपको लग रहा हो है इसके पीछे न्यूक्लियस, तो इट इज ऑब्स्क्योर्ड बाय वेसिकल्स, जिसको हम ग्रेन्यूल्स बोल रहे थे, उसको हम बेसोफिल कहते हैं। बेसोफिल के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दे जाए, तीन केमिकल सीक्रेट करने हैं, हिस्टामिन, हेपरिन
एंड सीरोटोनिन। इनका काम है हिस्टामिन का क्या काम है, इट इज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होता है, ब्लड वैसल्स को एक होता है किसी चीज को ल्यूमन को डिक्रीज करना है, ल्यूमन को बढ़ाना, जैसे ढीला छोड़ देना है ना, तो वो क्या होता है ब्लड वेसल्स फूल जाती है या बड़ी हो जाती है, तो उसमें ज्यादा ब्लड जा पाता है। क्यों ज्यादा ब्लड चाहिए, जहां पे इन्फेक्शन होता है वहां पे हमें व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल कहाँ है, ब्लड में। तो जितना ज्यादा ब्लड किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा होगा जिसमें इंजरी आई है, उतना ही वो जल्दी हील होगा। तो इसलिए वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, उस ब्लड वेसल्स को वाइड कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिससे ज्यादा ब्लड जाए और इन्फेक्शन जल्दी क्योर हो जाए। देन वी टॉक अबाउट द हेपरिन। हेपरिन क्या है, हेपरिन इज अ एंटी कॉगुलेंट, ब्लड को कॉगुलेट होने से बचाता है ना। ब्लड कॉगुलेट हो जाए तो क्या ही होगा, ब्लड को फैट, ब्लड में कॉगुलेशन नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, इंजरी के टाइम वो भी सरफेस पे कॉगुलेशन होना चाहिए, तभी भी ब्लड वेसल्स के अंदर कॉगुलेशन नहीं होना चाहिए। तो ब्लड में बहुत सारे एंटी कॉगुलेंट होते हैं जैसे हेपरिन है, दे आर यू नो दे प्रिवेंट द कॉगुलेशन ऑफ ब्लड। देन सीरोटोनिन है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है ना, एक्टिवेट करता है सर्टन इम्यून सेल्स को, वो नहीं पढ़ेंगे, सीरोटोनिन इज हेल्पिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स, ये पढ़ेंगे। यही बेसोफिल के बारे में था। तीसरा आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अम्यूनेंट और सबसे पहले है, दीज आर द फर्स्ट वन टू अटैक द सेल्स। तो इनमें क्या होता है, इनका जो नाम है ना, एक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, इनका सेल कुछ ऐसा होता है, और न्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे न्यूक्लियस हो सकता है, और बाहर ग्रैन्यूल्स तो होंगे ही है ना। सो दीज आर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, तो इनका एक नाम भी है, इनका एक नाम क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएन सेल्स बोलते हैं शायद इनको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। तो दीज आर, दैट इज वाई दे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल, दे आर इन्वॉल्व इन यू नो पस बनती है ना कभी, पस फॉर्मिंग सेल्स, जब आप कभी लग जाए और वहां पे क्या होता है, जब कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पस बनती है। तो पस क्या हो, पस क्या है बेसिकली, वहां पे वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर यू नो दीज आर द मैक्रोफेजस, इनका एक नाम है मैक्रोफेजस। मैक्रोफेज क्या करते हैं, दे ईट ईट अप द पैथोजन, जो पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरल आ गया, उसको खा जाते हैं, और खाने के बाद आ जाए ये न्यूट्रोफिल्स डाइव तो हो जाते हैं ना, व्हेन दे जब बैटल होता है किसी दो दो सोल्जर्स के बीच में, दो टीम ऑफ सोल्जर्स के बीच में, तो आधे सोल्जर्स यहाँ के भी मरेंगे वहां के भी मरेंगे। तो वैसे ही जब न्यूट्रोफिल्स जो है फाइट करेंगे बैक्टीरिया में, तो ये ऐसे थोड़ी है जीते ही रहेंगे, दे ऑल्सो डाई वाइल फाइटिंग द मैक्रोफेजस, वाइल किलिंग द माइक्रोफेजस और आफ्टर किलिंग द माइक्रोफेजस। तो जब ये डाई कर जाते हैं तो दे बिकम द पस, तो वो पस होती है वो, दे आर द डेड न्यूट्रोफिल्स। सो यू शुड रिमेंबर दिस, सो न्यूट्रोफिल्स आर पॉलीमॉर्फिक, दे आर द फर्स्ट वन टू यू नो रिस्पॉन्स वाई व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन, व्हेन देयर इज अ यू नो इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया वायरस और एनीथिंग, एंड दे आर मैक्रोफेज, दे ईट अप द पैथोजन, दे हैव अ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये आ गया हमारा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये ग्रैनुलोसाइट्स पे आ जाते हैं। ये ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते थे मोनोसाइट्स है ना। मोनोसाइट्स की बात करें, इनका डायग्राम देखें हम, तो ये कुछ ऐसे होते हैं है ना, इनमें वो तो देखे जाए नहीं, और एक इनमें भी ऐसे बाइलोब्ड किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मिल जाता है, वो तो इन दोनों में भी था, लेकिन इसमें दिखता है, इसमें दिखता नहीं, और इसमें विसाइकल्स हैं, इसमें विसाइकल्स और ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये डिफरेंस है। शेव्ड न्यूक्लियस, ये भी मैक्रोफेजस है, किल अप द बैक्टीरिया, ईट अप द बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजन हो रहा फंगस। तो ये मोनोसाइट का फंक्शन है, ज्यादा मोनोसाइट के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। मोनोसाइट आर लाइक लार्ज ओके मैक्रोफेजस। देन दूसरा हमारे पास था ल्यूकोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये,
लिम्फ जो होता है उसमें सबसे ज्यादा यही सेल्स होते हैं, इसलिए इसको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फ में जो ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द ल्यूकोसाइट्स। इनमें भी दो सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली द केमिकल्स जो हमने बात करी अब गामा ग्लोबुलिन। तो ये बी लिम्फोसाइट जो है एक पैथोजन जब आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, और दीज एंटीबॉडीज किल द बैक्टीरिया। टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? बेसिकली दीज आर द सेल्स विच आर इन्वॉल्व, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर सीक्रेटिंग सर्टन केमिकल्स विच कॉज दीज बी लिम्फोसाइट्स टू सीक्रेट द एंटीबॉडीज। एक फंक्शन इनका ये है, बहुत सारे फंक्शन है लेकिन हम एक फंक्शन को याद करते हैं। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? ये जो है कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, केमिकल्स, वो केमिकल्स जो है स्टिमुलेट करते हैं इनको कि भैया तुम बनाओ एंटीबॉडीज। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के आगे बहुत काम है, टी एच होता है, टी साइटोकाइनिन होता है, टी सप्रेसर सेल्स होते हैं, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, वी डोंट नीड टू नो। और बी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स जिसमें एंटीबॉडीज बनाते हैं जो। सो दिस इज अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सब पढ़ लो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं। और लिम्फोसाइट्स का अगर आप वो देखोगे स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, बस ठीक है, सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस। ये देखो अगर मैं इसको मिटाऊं, रुको, इफ इट इट यहाँ पे देखो, हाँ तो यहाँ पे देखो इओसिनोफिल में क्या बताया था, ये तो ग्रेन्यूल्स देखेंगे और बाइलोब्ड न्यूक्लियस है ना, वही इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है कहीं ना कहीं लेकिन दिख नहीं रहा, तो बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल में एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो ये तो भैया बहुत सारे लोब है इसलिए न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट में ये देखो बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एक ये लोब है और एक ये लोब है, या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। टी लिम्फोसाइट में क्या है, सेंट्रल सर्कुलर, ये दोनों लिम्फोसाइट है, टी और बी है ना, टी में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बी में थोड़ा छोटा है, बस इतना ही फर्क है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी स्टेट। ओके, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स होती क्या? प्लेटलेट्स आर बेसिक, इनको एक नाम दिया गया थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो ये बेसिकली सेल्स नहीं होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। मैंने बताया ना मेगा कैरियोसाइट होता है, तो मेगा कैरियोसाइट कुछ इस तरह से होता है, उसमें ये न्यूक्लियस होता है और ये सारा साइटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है, इस सेल में ऐसे करके एक प्रोजेक्शन, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस रहा और ये कट हो जाता पार्ट, और इसमें भी बहुत सारे कट बन जाते हैं, इसमें बहुत सारे कट मार जाते हैं, है ना। तो उसके बाद हमारे पास बचते हैं इस तरह से कंपोनेंट, इस तरह से पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स बचते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्लेटलेट्स आर मेड अप ऑफ। प्लेटलेट्स का काम क्या है भैया? प्लेटलेट्स का अगर हम बात करें, प्लेटलेट्स के बारे में और क्या जानेंगे? प्लेटलेट्स के बारे में, हाँ, इनमें बहुत सारा कैल्शियम होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है कुछ ये सीक्रेट करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कुछ सीक्रेट करते हैं, बहुत सारे, मोस्टली सब ब्लड में होते हैं लेकिन सम ऑफ देम दे आल्सो सीक्रेट, और इनका काम होता है क्लॉटिंग में। सो थ्रोम्बोसाइट हो गया, दे आर द फॉर सेल फ्रेगमेंट्स एंड दे हैव अ कैल्शियम, दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड कॉगुलेशन, थ्रोम्बोसाइट्स। आई थिंक दिस इज इनफ। ब्लड क्लॉटिंग बढ़ते हैं ना, इसी में ज्यादा हो जाए। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड का कॉगुलेट होना। देखो कि कहीं पे हमें लग गई, ये हमारी ब्लड वेसल है ना, तो रेड से बनाना चाहिए था। सो दिस इज ब्लड वेसल, इसमें सारा ये ब्लड भरा हुआ है ना, तो यहाँ से कहीं से एक पंचर हो जाए, है ना, पंचर हो गया। अब क्या आ गया, ब्लड बहता जाएगा, ब्लड बाहर आ गया, आ गया। अरे ये सारा ब्लड बाहर आ गया तो ब्लड वेसल में बचेगा क्या? और बचेगा नहीं तो ब्लड के तो बहुत सारे काम है ना। तो क्या होता है कि ये जो हमारा प्लेटलेट्स है दे आर फॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये क्या करते हैं, इसको बढ़ते हैं, इसको ऐसे बढ़ देते हैं क्लॉट बना के, और प्रिवेंट करते हैं कि अब भैया ब्लड बस तू नहीं आएगा बाहर।
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी, इवन द लेस फ्लो ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी बाय फॉर्मिंग अ प्लग, बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट. क्लॉट क्या है? एक प्लग है, एक किस्म का रोकने के लिए, है ना. तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में इतना ही जानना. ब्लड क्लॉटिंग होता क्या बेसिकली? क्लॉट क्या होता है? जो प्लग बनता है इस ब्लड वेसल में, अगर यहाँ से ये टूट गई तो यहाँ पे जो प्लग बनता है दिस इज अ क्लॉट. ये क्लॉट बना किससे है? तो इस क्लॉट को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये ऐसे तरह से कुछ थ्रेड्स होते हैं, इस तरह से नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होता है. ये आ गया फाइब्रिन. इस सिंगल को बोलते हैं फाइब्रिन थ्रेड्स, है ना. फाइब्रिन वही फाइब्रिनोजन से बनता है, जो फाइब्रिनोजन हमने पढ़ा ना कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में, तो वहीं से फाइब्रिन बनता है. लेकिन इसको एक्टिवेट करना पड़ता है ना. तो थ्रोम्बिन जो है इट कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ दिस प्लस इज यू नो गिवन बाय थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन करता है फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन में. ये फाइब्रिन ऐसे थ्रेड बनाता है और इस थ्रेड के बीच में बहुत सारे सेल्स, जैसे हमारे आरबीसीस, बहुत सारे आरबीसीस, आरबीसीस, WBCs, 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 some platelets, platelets, तो ये सारे इसमें फंस जाते हैं. तो entangled, okay, these entangled form elements along with the fibrin thread, they form the blood clot. So this is clot. इसको हमें बनाना, कैसे बनेंगे? दो pathways हैं. पहले यहाँ पे याद है, इसमें क्या हो रहा है? इंजरी टू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को इंजरी होगी, है ना. और इसमें क्या हुआ? ट्रॉमा आ गया, है ना. वैसे भी जब ब्लड वेसल को इंजरी आएगी तो प्लेटलेट्स को ट्रॉमा आ जाता है ना, शॉक आ जाता है. तो दीज आर हैपनिंग. इससे क्या हो रहा है? टिश्यू फैक्टर नाम के थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं इसको, थ्रोम्बो. ये जो हमारा ब्लड वेसल है ये क्या करते हैं? इस फैक्टर को रिलीज करते हैं. टिश्यू फैक्टर जब ब्लड वेसल जब भी इंजरी होगी उसको, जब भी वो कटेगी थोड़ी सी, तो वो इस केमिकल को रिलीज करते हैं. और वहीं जो हमारा प्लेटलेट्स है, जब उसको ट्रॉमा आता है तो प्लेटलेट्स में एक्टिवेट कर देता है एक्टिवेशन ऑफ, ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर. क्या होते हैं? कुछ भी ऐसी चीजें जो हेल्प करती हैं क्लॉटिंग में, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो आयन हो, तो जो क्लॉटिंग में मदद करेगी उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर. कितने हैं? 12 हैं टोटल, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होता है तो 7 आ गया. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. ये चौथा जो है ना ये कैल्शियम को बोलते हैं, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, ओके. और टिश्यू फैक्टर पर पहले वाले को बोलते हैं. तो इस तरह से ये क्लॉटिंग ये फैक्टर्स होते हैं. तो ऐसे 12 जो फैक्टर है ये एक्टिवेट हो जाता है. ये दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं, क्योंकि भैया एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही हैं. ब्लड वेसल भी एक ही टाइम पे इंजरी हो रही है, एक ही टाइम पे प्लेटलेट को ट्रॉमा हो रहा है ना. तो ये दोनों जो है कैल्शियम की मदद से एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज. ये क्या करता है? थ्रोम्बिनेज होता है, थ्रोम्बिनेज, ओके. थ्रोम्बिनेज इज दिस प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये लीवर से एक जैसे थ्रोम्बी वो था ना फाइब्रिनोजन, वैसे ये होता है प्रोथ्रोम्बिन. ये इसको क्या करता है? कैल्शियम के प्रेजेंस में अगेन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है. और मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि थ्रोम्बिन जो है इट कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, और फाइब्रिन क्या बनाता है? ब्लड क्लॉट, है ना. तो दिस इज द मैकेनिज्म. क्या हो रहा है? एक कुछ ऐसा फैक्टर बन के आ रहा है जो अगले को एक्टिवेट कर रहा है, अगले से ऐसा कंपोनेंट बन रहा है जो अगले को, तो इसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस. जब इस तरह की रिएक्शन हो, ए टू बी कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ सी टू डी, डी कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ ई टू एफ, एफ कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ एच टू आई या जी टू एच, है ना. So this type of reaction where one basically product of a reaction causes the conversion of another another component into another product is called cascade reaction बोलते हैं. And ये जो mechanism है जिसमें blood vessel, इसको हम बोलते हैं extrinsic pathway. क्यों extrinsic? क्योंकि ये blood से नहीं है ना, blood vessel blood से बाहर है.
और ये प्लेटलेट ब्लड के अंदर है, इसलिए हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब इनसाइड वाला, और ये कॉमन पाथवे, यहां से यहां तक सारा कॉमन पाथवे है ना। तो दिस इज ऑल ओवर द ब्लड क्लॉटिंग। इसको एक बार थोड़ा दो बार देख लो इस पॉइंट को, एंड यू विल लर्न ऑल द थिंग्स दैट आर इन द एनसीईआरटी। तो बहुत है इतना। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली हमारा ये आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं, तो जिस तरह का प्रोटीन होता है उस तरह का उसका ब्लड ग्रुप होता है ना। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन क्यों है भैया? अब देखो, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया है ना, इतना सा बैक्टीरिया है ना, और ये ब्लड में आ गया। अब ब्लड को, ब्लड में सेल्स हैं, जैसे ये हमारा मैक्रोफेज है ना, इसको इसको खाना है। लेकिन ये इसको क्यों खाएगा भैया, बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी में, इसको ये कैसे पता कि ये बाहर का सेल है ना, इसको कैसे पता कि ये बाहर का सेल है? तो इसको पता इसलिए है क्योंकि इसके हर एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल है, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं है ना। ये प्रोटीन्स जो है स्पेसिफिक होते हैं टू अ स्पीशीज। अगर ये हमारी अपनी बॉडी का तो ये एक तरह का होगा, और अगर किसी और का वो अलग तरह से होगा। तो ये मैक्रोफेजेस बेसिकली जो भी ब्लड प्रेशर वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, ये प्रोटीन्स की मदद। अगर ये प्रोटीन इसको लग रहा है कि ये हमारा नहीं है तो ये इसको खा जाएगा, अगर इसको लग रहा है कि हमारा है तो इसको नहीं खाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग दिस प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। ये बता रहे थे, या बेसिकली ये नेम प्लेट, जैसे घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी तो पता चल जाएगा ये किसका घर है। तो वैसे ही हमारे सेल्स के सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं जो बताते हैं कि ये हमारा ही बॉडी का सेल है। तो आरबीसी में देखो, आरबीसी में प्रोटीन्स होंगे इस तरह से। आरबीसी है, ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगे जिसको हमने बोल दिया कि ए टाइप के प्रोटीन है ना, ए टाइप के, इसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है, जो सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर ये ए है तो हम इसको ए ब्लड ग्रुप बोल देते हैं, ब्लड ग्रुप। अगर इसमें बी है, हर जगह बी 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 बी, तो ये बी है। अगर इसमें दोनों है, ए बी, तो हम इसको ए बी बोल देते हैं। एंड अगर इसमें कोई नहीं है तो हम इसको ओ बोल देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है ना। दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी नेम प्लेट है भैया, ये आरबीसी बोर्ड है मेरे ऊपर, ये है तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये नेम प्लेट हो जाए। देन एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? मैंने बोला कि हमारी बॉडी जो बड़ी स्पेसिफिक है, जो उसके अपने सेल है उसके अलावा जो भी इसके अंदर आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, क्यों मैच करते हैं? ब्लड तो वो इंसान का है ना, वो उसका है, ब्लड तो चाहिए बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है, अगर उसके पास नेम प्लेट दूसरी है तो वो उसके खिलाफ रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो रिएक्ट कैसे करता है? तो बेसिकली कुछ केमिकल्स बनाता है जिनको हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। बात करी थी ना एंटीबॉडीज की, ग्लोबुलिन, तो इस तरह की एंटी, बेसिकली क्या होता है, अगर एक सेल है तो ये एंटीबॉडीज पे ऐसे जाके चिपक जाएगी, चिपक जाएगी और इसको तोड़ देगी, ये ऐसे लाइसिस हो जाए, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। और जब आरबीसी टूट गया तो अनीमिया होता है ना, अनीमिया होता है तो बंदा डाई कर जाता है ना। सो दिस इज बेसिकली द, इसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ सेल्स या हीमोलाइसिस है ना, जब सेल्स बहुत सारे जुड़ भी जाते हैं और देन लाइस हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एनीमिया हो जाता है, तो एंटीबॉडीज बनती है। अगर इसके पास ए है तो क्या ये ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं। अगर ये ए के लिए एंटीबॉडी बना दे तो ये तो सारे अपने ही आरबीसी मर जाए इसके, और ये तो बंदा मर जाए, तो ये क्या करता है, बी के खिलाफ एंटी बी एंटीबॉडीज बना लेता है ना, बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बना, बी वाला, इसको पता है मेरे पास बी है, ए तो है नहीं, तो मैं ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता हूँ है ना, और ये बी वाले, इसको पता है मेरे पास दोनों है, तो मैं तो नो एंटीबॉडी, मैंने किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना दी तो मैं तो गया, क्योंकि मेरे सेल पे दोनों है, एक के ऊपर भी कोई एंटीबॉडी चली गई तो हमारा आरबीसी लाइस हो जाएगा। और के पास इसको जो टेंशन नहीं है ना, इसके ऊपर ए है ना इसके ऊपर बी है, तो ये बोलते हैं दोनों बना लो, नो एंटीबॉडी, ये बोलते हैं दोनों बना लो, क्या एंटी ए एंड एंटी बी है ना। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो इससे क्या पता चलता है कि ए वाला जब बी वाले को ब्लड देगा तो उसमें क्या होगा, ए वाला जब बी वाले को ब्लड देगा तो बी में एंटी ए एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो ये एंटीबॉडीज अगर ए को ए पर एक्ट करेंगे, जो कि उस ब्लड से आया है, दूसरे बंदे से जिसको ब्लड लिया, तो ये सारे मर जाएंगे सेल्स, और ये सारे मर जाएंगे तो ब्लड का क्लम्पिंग होगा, तो देन पर्सन विल डाई। हमने दो ब्लड ग्रुप पढ़ने थे, हाँ ये बी ओ ब्लड ग्रुप जो मैंने पढ़ा दिया पीछे, कार्ल लैंडस्टीनर याद रखना है,
इस बंदे ने 1900 समथिंग 1901 में शायद ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था, और 1930 में इसको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लैंडस्टीनर का लॉ होता है ना, लैंडस्टीनर का लॉ क्या था, ये वाला कि मैंने बताया कि जब ए होगा तो ए के ए वाले ब्लड ग्रुप में कभी भी ए वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। तो ये लैंडस्टीनर का लॉ था कि ए के एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी कभी भी ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगी, दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। और हाँ, ये हमारे ये देख लो कि ए ग्रुप हो जाए तो इसका एंटीजन, ये इसकी एंटीबॉडीज बना रहा है ब्लू वाला है ना, और ये इसकी एंटीबॉडीज बना रहा है एंटी ए एंटी बी, और ये कोई नहीं बना रहा, ये दोनों बना रहा है ना। अच्छा, ब्लड ग्रुप ये पता चल गया होगा है ना, ये वहीं से पता चल जाएगा कि अगर ए है तो एंटीबॉडी से भी होंगी। और ये ब्लड ग्रुप किससे, डोनर का ग्रुप, डोनर मतलब किससे ब्लड ले सकता है, ए वाला जा तो ए से ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन सिर्फ ए वाला है, जा तो वो से लेगा क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, जा तो ये लेगा। यही दो दे सकते हैं, बी वाले को कौन दे सकता है, जिसके पास बी वाला है या जिसके पास कोई नहीं है ना। ए बी वाले को कौन दे सकता है, ए बी वाले को डोनर ब्लड ग्रुप ए वाला भी दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है और इसके पास दोनों है, तो ये इसको वही ब्लड दे सकता है जो कि ऐसा है खाली, तो ओ वाला है ना। अब नेगेटिव पॉजिटिव का भी आ जाता है ना, आर एच वाला जो स्लाइड है, नहीं है आर एच का क्या है, आर एच भी एक फैक्टर है, जैसे ए बी ओ है ना तो वैसे ये ऐसे आरबीसी के सरफेस पे आर एच, लेकिन इसमें प्रेजेंट या एबसेंट होता है, प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा, जिस पे प्रेजेंट है और ए भी है तो उसको हम ए पॉजिटिव बोल देते हैं, उसके आगे पॉजिटिव लगा देते हैं, अगर ये बी वाला होगा तो हम इसको ए बी पॉजिटिव बोल देते हैं ना, और अगर खाली होता और इसके ऊपर आर एच होता तो हम इसको ओ पॉजिटिव बोल देते, समझ रहे हैं ना। और अगर नहीं होगा, खाली ए होगा तो इसको हम खाली ए नेगेटिव बोल देंगे, बी होगा खाली तो इसको हम बी नेगेटिव बोल देंगे, आर एच होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। अब ये आर एच का नाम आर एच इसलिए पड़ा क्योंकि ये रीजस मंकी में पहली बार पाया गया था, ये भी लैंडस्टीनर के ही काम है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम किसी बंदे को ब्लड डोनेट देते हैं तो हम कभी भी आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच नेगेटिव को नहीं दे सकते, क्योंकि सॉरी, अगर इसके पास आर एच है ना तो इसके ब्लड में नो एंटी आर एच एंटीबॉडी है ना, नहीं होगी भैया एंटीबॉडी, लेकिन अगर इसके पास आर एच नहीं है तो इसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडी तो बनेगी ना, और जब ये एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी और हम किसी ऐसे बंदे का ब्लड इसको दे दें, इसको ऐसे बंदे का ब्लड दे दें जिसके पास आर एच है, तो ये क्या करेगा, दीज एंटीबॉडीज विल किल इट, विल किल इट, तो फिर से क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ दैट पर्सन, और डेथ नहीं तो सीवर इन्फेक्शन, बहुत कुछ हो जाता है, एलर्जी हो जाती है बॉडी में बहुत गंदी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बेसिकली ओ जो है कैन गिव ब्लड टू एनीवन, ये एनसीईआरटी में लिखा है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन आपको लगता है ओ वाला सारा दे सकता है, मैं बात करूं ओ पॉजिटिव की, ओ नेगेटिव की है ना, किसको ब्लड दे सकते हैं दोनों, ओ पॉजिटिव मतलब इसके पास कुछ नहीं है सिर्फ आर एच है, और ये कौन सा है जिसके पास कुछ नहीं है ना, ये किसको ब्लड दे सकता है, अगर इसके पास आर एच है तो इसके पास, अगर इसके पास आर एच है ऑलरेडी है ना, तो इसके एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी है ना, इसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन ओ नेगेटिव है इसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ओ नेगेटिव के लिए अलग बताया जाए, ओ पॉजिटिव के लिए अलग बताया जाए, तो इसको अगर हम किसी को ब्लड देना है ना, तो अगर इसको किसी को ब्लड देना है तो अगर वो बंदा आर एच पॉजिटिव है ना, अगर वो बंदा आर एच पॉजिटिव है, मानो ये ए को ब्लड दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, हमने पीछे पढ़ा, लेकिन ये सबको दे सकता है, लेकिन उनको दे सकता है केवल जो कि पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, इट डजेंट हैव अ वॉच पॉजिटिव एक्चुअली, जो पॉजिटिव वाला है इसमें
नो एंटी आरएच एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें भी नहीं होगी, है ना, इसमें आरएच है तो नो एंटी आरएच एंटीबॉडी ये सिर्फ इनको दे सकता है। अगर मान लो ये किसी ऐसे बंदे को दे दे जो बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, तो इनके अंदर तो एंटीबॉडीज होगी ना फॉर आरएच। अगर आरएच के लिए एंटीबॉडीज होगी तो ये कैसे कैसे यहाँ मैनेज होगा, क्योंकि ये तो किल कर देंगी आरएच को उसके ऊपर। तो दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव इज नॉट ए यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास ये जब हम किसी को देंगे तो ये सेल के पास कुछ नहीं है इसके ऊपर, ना ही आरएच है ना ही कुछ है, तो ये कंप्लीटली हार्मलेस है, किसी को भी दे दो, इसलिए ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के अगर यहाँ भी लगाएंगे तो ए बी नेगेटिव जो है दिस इज नॉट यूनिवर्सल रिसिपियंट, ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसिपियंट, बिकॉज इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी वन। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी बॉडी बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी एंटीजन फॉर एंटीबॉडी फॉर एनी थिंग, क्योंकि इसके पास ए भी है तो ये ना एंटी ए बनाएगा, इसके पास बी भी है ना ही एंटी बी बनाएगा, इसके पास आर एच भी है तो ना ही एंटी आर एच एंटीबॉडी बनाएगा, नो एंटीबॉडी इन दिस पर्सन, तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन ले आओ, कोई भी ब्लड ग्रुप ले आओ, सो दैट इज वट्स हैपनिंग। सो दिस इज हाउ द ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड, ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी। और हाँ, एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है ना, फादर जो था वो आर एच पॉजिटिव है। अब इनका जब क्रॉस हुआ और स्पीशीज जो ऑफस्प्रिंग बना वो आर एच पॉजिटिव बन गया है ना। फर्स्ट डिलीवरी की बात करें, फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट डिलीवरी में जो बेबी होता है वो मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता नहीं है ना, शुरू शुरू के फॉर्म में जब जाइगोट वगैरह आएगा, जब शुरू की एम्ब्रॉय में, तब मे बी सम ब्लड एक्सचेंज इज देयर, बट बाद में जब एक एम्ब्रॉय थोड़ा डेवलप होता है देर इज नो एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन द मदर एंड द फिटस। तो पहली बार अगर आर एच पॉजिटिव आ भी गया बच्चा, अब ये आर एच नेगेटिव है मतलब इसकी मदर के पास एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी है ना। लेकिन क्या होता है बेसिकली आर एच एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो फर्स्ट एक्सपोजर में नहीं होती हैं, फर्स्ट एक्सपोजर में दे आर नॉट प्रेजेंट ऑलरेडी, ये बाद में बनती है, जब एक बार ब्लड इसके कॉन्टेक्ट में आएगा ये बाद में बनेंगी। तो जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी होती है तो मदर के पास ये पहले तो ये बच्चा कॉन्टेक्ट में नहीं आता मदर के ब्लड में, और कॉन्टेक्ट में भी नहीं आता और इसके पास एंटीबॉडीज भी नहीं होती है ना। तो जब बच्चे की पहले तो बच्चा अच्छी तरह डेवलप हो जाता है और बर्थ हो जाता है इसका है ना, जब इसका बर्थ होता है तो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है ना, उसको काटा जाता है, जब उसको काटा जाता है तो ब्लड जो है मदर का और फिटस का कॉन्टेक्ट में आता है, ब्लड जब कॉन्टेक्ट में आता है तो ये जो ब्लड सेल्स है हमारे वो बना लेते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी मदर में, कि मदर का ब्लड क्या है इसको चाहिए, इसके ऑलरेडी एंटी आर एच एंटीबॉडी तो है। ओ नेगेटिव इज दिस, सो ओ नेगेटिव कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो मदर का ब्लड जो है पहले आर एच पॉजिटिव है, मदर को मिल गया कि आर एच पॉजिटिव फैक्टर मिल गया तो इसकी एंटीबॉडीज बन जाती है ना, इसकी में एंटी आर एच एंटीबॉडीज शुरू में नहीं होती, मैंने बताया दे आर फॉर्मड आफ्टर सम टाइम है ना। तो जब बच्चे का ब्लड जो है कॉन्टेक्ट में आ जाता है मदर के ब्लड में तो मदर के ब्लड में एंटी आर एच एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये एंटी आर एच एंटीबॉडी क्या करती है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और बच्चा जो है वो आर एच पॉजिटिव निकला तो ये इसको डेवलप ही नहीं होनी चाहती, प्लेसेंटा से वो एंटीबॉडीज पास होती हैं और इस बच्चे को किल कर देती हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि इसमें क्या होता है हीमोलाइसिस हो जाता है फीटल के ब्लड का, इसलिए इसका नाम पड़ा इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। तो कहानी क्या थी, एक एक लाइन में कंबर करते हैं, एक मदर है वो आर एच नेगेटिव है और उसके बेसिकली अगर थियोरिटिकली बोले तो उसमें एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए, लेकिन ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज पहले प्रेजेंट नहीं होती, जब इसके कॉन्टेक्ट में ब्लड आता है उसके बाद प्रेजेंट होती हैं। तो पहली बार जब बच्चा आया जाइगोट वो मदर के वोम में गया तो उस समय जो है मदर की बॉडी में वो एंटीबॉडीज नहीं थी, तो वो बच्चा जो है क्योंकि ब्लड का कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो बच्चा जो है वो आर एच पॉजिटिव
पॉजिटिव होते हुए डेवलप हो गया। उसका बर्थ जब हुआ तो उसकी अम्बेलिकल कॉर्ड काटी गई, जब काटी गई तो सम ब्लड ऑफ द चाइल्ड गेट्स मिक्स विद द ब्लड ऑफ द मदर। तो जब वो ब्लड मिक्स हुआ तो मदर के ब्लड ने देखा भाई इसमें तो एंटीआरएच एंटीबॉडीज थी, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा तो बाहर डिलीवरी हो गई। तो वो क्या करता है, याद रखता है कि हाँ भाई मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे आरएच पॉजिटिव एक इंडिविजुअल मेरे ब्लड मेरे बॉडी के अंदर आ गया, तो वह आरएच एंटीबॉडीज बना रहता है। अब दूसरी बार जब प्रेगनेंसी होती है और आरएच पॉजिटिव बच्चा हो जाता है तो उसको याद है कि पहली बार मुझे धोखा हो गया पर दूसरी बार धोखा नहीं खा गया। तो वो क्या करता है, प्लेसेंटा से पास होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, IgG होता है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखना कौन से किल करते हैं वो भी याद रखना, IgG, यहाँ पे IgG। तो ये पास करते हैं प्लेसेंटा से चले जाते हैं और फीटस को मार देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। लिम्फ की बात करें, चलो ब्लड तो हो जाए, लिम्फ क्या होता है, अरे ये ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के साथ ही हमारी लिम्फ वेसल रहती है, ये लिम्फ वेसल इसके पैरेलल, दिस इज लिम्फ वेसल। तो क्या आता है, ब्लड में सब कुछ भरा हुआ है ना, तो इसमें सम प्लाज्मा और अदर कंपोनेंट्स ये लीक होते रहते हैं, है ना, प्लस लिम्फोसाइट्स ये लीक करते हैं। यहाँ पे अदर सेल्स है, मानो यहाँ पे सेल्स हैं, यहाँ पे सेल्स हैं, तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूड भी बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूड भी बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ब्लड का उसको डिलीवर यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ से आते आते वो सारा वापस नहीं जाता, ये क्या कहता है कुछ इसमें आ जाता है। तो इसमें जो पार्ट आ जाता है प्लाज्मा का है, प्लाज्मा प्लस अदर कंपोनेंट्स, उसको हम लिम्फ बोल देते हैं। लिम्फ का काम क्या है, इट इज हैव ये सारे लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स दे आर द हाउस ऑफ इम्यून सेल्स। भैया इम्यून सेल्स में, इम्यूनिटी में लिम्फ का बहुत बड़ा काम है, तो मैं लिम्फ बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिम्फ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूड भी बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूड भी बोल देते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लाज्मा दैट कम्स आउट द ब्लड वेसल्स एंड इट एंटर्स इनटू द लिम्फ। और ये लिम्फ क्या करती है, ये इसको लेके जाती है लिम्फोसाइट वगैरह को, एंड देन यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखो, एंड देन यहाँ पे आके हार्ट में ही डिलीवर कर देती है, यहाँ पे लिम्फ से वापस हार्ट में चला जाता है, ठीक है, हार्ट से ब्लड में, या ब्लड में चला जाता है सीधे ही बोल दो ब्लड में, और ब्लड से फिर लिम्फ में। तो इस तरह से ब्लड से लिम्फ में जाता है, लिम्फ से फिर से ब्लड में जाता है, तो दिस इज द सर्कुलेशन दैट इज फॉलोइंग। सो आपको याद क्या रखना है लिम्फ के बारे में, लिम्फ का फंक्शन क्या है, काइलोमाइक्रोन पता है, काइल पता है, काइल फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं ये, तो ये लिम्फ होता है जो फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करता है, देन उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जब जरूरत होती है देन दे डिलीवर्स टू द पर्टिकुलर टिश्यूज, स्पेसिफिक टिश्यूज। और लिम्फ का काम क्या है, इम्यूनिटी में बहुत काम है। तो लिम्फ जो है इट इज इट रन पैरेलल, लिम्फेटिक सिस्टम रन पैरेलल टू द ब्लड वेसल, इट कंटेन द लिम्फ दैट इज अ कलरलेस विस्कस फ्लूड। लिम्फ भी एक कलरलेस फ्लूड होता है, व्हाइटिश काइंड का फ्लूड होता है जिसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में ये मदद करता है। और ये बाद में जो है दिस सबक्लेवियन जुगुलर कुछ ऐसा नाम होता है इसका, जंक्शन होता है जहां से ये हार्ट के मेजर वेन्स में एंटर करता है एंड देन इट गोज इनटू द हार्ट, और हार्ट से फिर ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, दिस इज अबाउट द लिम्फ। सो विद दिस आई थिंक द होल चैप्टर इज ओवर, इफ यू हैव एनसीईआरटी विद यू देन यू टेक इट विद योर सेल्फ एंड देन लर्न दिस चैप्टर, यू विल लर्न अ लॉट, यू विल लर्न एवरीथिंग द ऑल द लाइंस इवन देयर प्लैटलेट्स द लाइफ स्पैन वगैरह देख लेना कुछ टर्म्स इफ आई लव देम। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी ब्लड की, जैसे ब्लड का वन शॉट है और ब्लड वन शॉट चाहिए, सो डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।